हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम लोग गूगल फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम पेरेंट्स सोचते हैं कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म आएगा, हम पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन इसको यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके मोबाइल में ही सब हो जाएगा। मैं एक्चुअली मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं इसका वीडियो आपको लैपटॉप में करके बताऊँगी। पर आप ये सोच के परेशान मत होना कि यहाँ लैपटॉप में हो रहा है और वहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने मोबाइल में इजीली कर पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो के लिए एक अच्छा सा लाइक और एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन को किया है, मैंने अपने लैपटॉप पे। ये मेरा लैपटॉप का व्हाट्सएप का पेज है, जैसा कि हमारे मोबाइल में खुलता है। अब ये देखिए, मेरे पास नीचे मेरे स्कूल का एग्ज़ाम पेपर का लिंक आया हुआ है। आप इसको उंगली से टच करेंगे और मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो अब मैं इसमें यहाँ पे अपना नाम ऐड करूँगी, जो ऑप्शंस में, ये देखिए, जिन ऑप्शंस में यहाँ पे स्टार की साइन है, ये आपको स्टार की साइन दिख रही है, देखिए, जिन ऑप्शन में यहाँ पे स्टार की साइन है वो ऑप्शन आपको लेना कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, आप अपने बच्चे का पूरा नाम डालिएगा, क्योंकि आप और भी बच्चे हो सकते हैं उस नाम की क्लास में, तो प्लीज़ अपने बच्चे का पूरा नाम डालिएगा। मेरा डिवीज़न ए, और अब ये मेरा रोल नंबर मैंने 1 लिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। ओके, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे लिखा है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। अब मेरी यहाँ पे पिक्चर है कैट की, तो मैं अब देखूँगी कि इसमें कैट की कौन सी स्पेलिंग है, मैं उसकी स्पेलिंग के ऊपर राइट कर दूँगी। यहाँ टेबल है तो टेबल की स्पेलिंग पे, ये मेरी बुक की इमेज है तो मैं बुक की इमेज पे राइट कर दूँगी, और ये मेरी आइसक्रीम है तो मैं आइसक्रीम पे, जो मुझे सही लगेगा मैं उसमें राइट कर दूँगी। इसमें मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर हम उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ओके, आपको सबको वॉवल सिखाए हैं, आपको सबको आर्टिकल्स आते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर आर्टिकल्स भी चूज़ कर रही हूँ कि कौन से हमारा आर्टिकल्स है, हम उस पर टिक करते जाएंगे। आपको बस उंगली से टच करना है और आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम वापस नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द गिवन वर्ड। अब ये इमेज किसकी है, एप्पल की। एप्पल की स्पेलिंग आपको आती है APPLE, तो हम यहाँ पर डबल पी को टिक कर देंगे। ये बुक का स्पेलिंग है तो हमारी बुक की स्पेलिंग कौन सी होती है, हम उस पर टिक कर देंगे। हमारा ये केक है, केक की स्पेलिंग क्या होती है, हम उस पर टिक कर देंगे। ट्री का क्या स्पेलिंग होता है, हम उस पर टिक कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि जो स्पेलिंग आपको सही लगती है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है चूज़ इन एंड फॉर गिवन पिक्चर। अब हमें यहाँ पर चूज़ करना है कि पिक्चर इन है कि एंड है। फिश पानी के अंदर है, इट मीन्स इन। बैट एंड बॉल ही बोलते हैं हम तो। ये मैन है वैन में। ओके, मैंने अपने हिसाब से अब नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है रीड एंड चूज द पिक्चर। अब यहाँ पे हमारी रीड जो वर्ड है उसे हमें रीड करना है, किस चीज़ का स्पेलिंग है ये एलिफेंट का है कि अम्ब्रेला का है, इट इज़ अम्ब्रेला स्पेलिंग, तो हम अम्ब्रेला का चूज़ करेंगे। ओके, देखिए इसमें क्या है कि मेरी स्क्रीन बड़ी है इसलिए ये दोनों मेरे बाजू बाजू आ रहे हैं। अगर मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो ये दोनों इमेजेस ऊपर नीचे करके आएंगी। ओके, मैं यहाँ भी ऑप्शन चूज़ कर ले रही हूँ, मैंने वहाँ वर्ड पढ़ा और ऑप्शन चूज़ कर लिया। अभी नेक्स्ट, अब मुझे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो इसमें हमारी करेक्ट प्लूरल फॉर्म कौन सी है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगी, जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। ओके, फिर हम इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन कर देंगे। अब है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको आपकी मैम ने सेंटेंस सिखाए हैं, आपको यहाँ से करेक्ट सेंटेंसेस चूज़ करने हैं, जो आपको सही लगते हैं आप उनके ऊपर फिंगर से टिक करेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा लास्ट का ऑप्शन, जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा लास्ट का ऑप्शन आएगा सबमिट। बस सबमिट हो गया ये हमारा पेपर, और ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो इससे पहले जाके आप इसे
बैक करके, जिसमें बैक 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 का ऑप्शन है, उसमें जाके भी आप इसको कर सकते हैं, एक बार रीचेक कर सकते हैं कहीं कुछ बच्चे ने गलती ना की हो। लेकिन अगर आप बच्चे की हेल्प के बिना ही उसको करने देंगे तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ये हो जाएगा। इसके लिए मेरे चैनल को एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक तो ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आपको कोई कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।